हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन सरकारी। टुडे वी आर टेकिंग अप हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ दिसंबर 2, 2023, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। इंडिया हैड रिसेंटली होस्टेड G20 इन 2023, तो उससे ऊपर अब क्लाइमेट मीट भी इंडिया ने ऑफर किया है, COP28। दिस शोकेसेस इंडियाज रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द क्लाइमेट एक्शन प्लान, और इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ लीडर बनने वाला है, उसके हिसाब से बाकी जो एरियाज में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको एक सॉलिड बैकिंग मिलेगा। तो ठीक है, अभी दुबई में हो रहा है COP20, COP24 है ना? हाँ, COP28 हो रहे हैं दुबई में तो। एट COP28। हाँ, COP28 हो रहा है। हाँ, तो इस तो 2028 उस तरफ में। हाँ ठीक है, ऐड कर दी। आई वॉज कन्फ्यूज विद 2028 और COP28। फिर मोदी रिक्वेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इंडिया ऑन ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम लॉस एंड डैमेज फंड, ये भी इसको ले सकते हैं आंसर आइटम में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, TN गवर्नर कैन नॉट रेफर री इनैक्टेड बिल टू प्रेसिडेंट, सेज SC। तो अभी देखा गया है कि जो भी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट है वो भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, एंड SC हैज़ गिवन सम डायरेक्शन टू द गवर्नर रिगार्डिंग द पावर्स। फर्स्ट इज कि लॉन्ग पीरियड के लिए आप रख नहीं सकते हो बिल। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस गवर्नेंस पावर एज अ गवर्नर और एज अ वाइस चांसलर, एज अ चांसलर इट इज़ डिफरेंट। थर्ड द केस इज गवर्नमेंट शुड लिसन टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, एंड फोर्थ ये कि गवर्नर कैन नॉट रेफर री इनैक्टेड बिल टू द प्रेसिडेंट, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्रवेश, इसमें आप बताओ। मतलब बढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं तो बता दो। ठीक यहाँ पे बस एक कीवर्ड है, है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिनेसी। इसको जो दिया हुआ है आप इसको कीवर्ड को लिख सकते हो बोलने के लिए। इसराइल रिज्यूम्स बॉम्बिंग, ये PMI, PMI मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, और ये दिखाता है सेंटिमेंट दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू द परचेज, मतलब स्टार्टिंग का इंडेक्स है एक तरह से। तो कंज्यूमर इंडेक्स डिफरेंट है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डिफरेंट है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो मानसी। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बेसिकली जो मतलब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के कॉन्टेक्स्ट में जो मैनेजर्स होते हैं, सो उससे हमें इस इंडेक्स से एक आइडिया मिल जाता है। अगर परचेजिंग ज्यादा इंक्रीज हो रही है, रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोक्योर किए जा रहे हैं, तो मतलब बिजनेस एक्टिविटी ग्रो हो रही है, मतलब कि ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली एक इंडिकेटर है फ्यूचर की टुवर्ड्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रेंथन हो रही है या आने वाले टाइम में वो इंक्रीज हो सकती है। यस, देन नेक्स्ट टर्न, GST रेवेन्यू राइज टू 1.7 लाख करोड़। दिस शोकेसेस जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो सकता है लॉन्ग टर्म में, और इंडिया का जो टैक्स बोइंसी है वो उस पर काम करना बाकी है, अभी वो बढ़ है धीरे धीरे। अभी कितना है टैक्स बोइंसी मान सी, इफ यू हैव एनी आइडिया। एग्जैक्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक, दिया यू कैन सर्च अबाउट इट, टैक्स बोइंसी इतना है इंडिया कितना है। और तो ओवर द इयर्स देखा गया कि पहले 1 लाख करोड़ था वो मुश्किल था, अब लेकिन 1.75 पहुंच चुका है, एक तरह से ब्रीच भी हुआ एक बार। तो दिस ओके से टैक्स कलेक्शन वही बड़ा है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ GST रेवेन्यू हुआ है ओवर द पीरियड हर एक जगह पर, और GST काउंसिल डिसाइड करते हैं कि किस पर कितना GST रेवेन्यू लगना चाहिए। तो 5 रेट है फिलहाल अभी। जुडिशियल कस्टडी ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर, तो वी हैव डिस्कस दैट जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस है। तो जुडिशियल कस्टडी तब होता है जब आपको कन्विट किया जाता है, तो आप फिर जुडिशियल के हिसाब से आपको रखा जाता है जेल में, वेर एस पुलिस कस्टडी मतलब होता है कि आपको अप्रेहेंड किया जाता है तब आपको रखा जाता है। प्रवेश,
नहीं, अप्रिहेंड तो दोनों में ही किया जाता है वैसे। जुडिशियल कस्टडी में आपको जो लॉयर होते हैं, जुडिशियल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनकी निगरानी में आपको रखा जाता है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी आपसे सवालात किए जाएंगे, वो पुलिस वाले तभी कर सकते हैं जब आपके लॉयर की आपके साथ प्रेजेंस हो, अदरवाइज वो आपको आपसे मिल भी नहीं सकते। तो ये होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में देर इज नो प्रेजेंस ऑफ लॉयर। पुलिस चेक कोई मैकेनिज्म यूज करे आपके साथ तो उसमें कोई देखने वाला नहीं होता।48 स्कूल्स इन बेंगलुरु गेट बॉम्ब थ्रेट ऑन ईमेल, चिल्ड्रन सेंड बैक होम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कि जो बॉम्ब थ्रेट मिला है ईमेल में, तो उसको सोर्स ट्रेस करना इम्पोर्टेंट होता है। सोर्स कहाँ से आया है, क्या वो फेक है, क्या वो प्रैंक था या फिर असली में ऐसा है। तो वो एक बहुत चैलेंज रहता है फॉर द सिक्योरिटी अथॉरिटीज, पर्टिकुलरली स्कूल का यहाँ बात हो रहा है स्पेसिफिक। तो आई थिंक द थ्रेट ईमेल्स वे सेंट टू सम स्कूल्स इन द सिटी 2022 में हुआ था, एंड पुलिस फेल्ट दैट द गोइंग बाय द मॉडस ऑपरेंडी इट कुड बी द सेम पर्सन। अक्यूज इज येट टू बी अरेस्टेड, तभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे अब पहले बेसिकली सोर्स देखिए, साइप्रस इज द साइप्रस से सोर्स, दिस इज पार्ट ऑफ साइबर पहले हुआ था टेररिज्म। ये सो चीज़। इसमें हाँ, मतलब वो कि इंटरनेशनली भी सोर्सेस ट्रेस किए गए हैं, तो दिस इज बिकेम अ मेनेस। मतलब अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो मतलब इंटरनेशनली उनको क्रैक डाउन करना, एक्शन लेना उनके अगेंस्ट ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है इमीडिएट बेसिस पे। यस, काजीरंगा राइनो किल्ड विथ प्रिमिटिव स्पीयर। तो ये दिखाता है कि पोचिंग एक वो थ्रेट है इंडियन हेरिटेज और इंडियन का जो इन्वायरमेंटल हेरिटेज उसके हिसाब से देखा जाए तो काजीरंगा राइनो, राइनो इज वेरी फेमस। कितना स्पीसीज होता है ऐसे? करुणा, पूरा वर्ल्ड में कितने स्पीसीज है राइनो का फिलहाल? और इंडिया में जो राइनो है इट इज़ मोस्टली इन काजीरंगा। तो वो किसके अंदर में आता है, IUCN का रेड लिस्ट के अंदर में कौन सा है, उसको इंडेंजर है, क्रिटिकल इंडेंजर, वल्नरेबल और या नो डेटा केस आई थिंक प्रवेश? इंडेंजर्ड है। अच्छा, इंडेंजर नहीं है वो, वल्नरेबल है, यू कैन सर्च इट एज आई एम श्योर। और काजीरंगा में जो इंडिया में वन हॉर्न रैनो है, टू हॉर्न नहीं है, वन हॉर्न रैनो है, और सबसे बड़ा जो होता है वाइट रैनो होता है एक तरह से। बाकी जो राइनो है फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड में या बाकी जगह, थाईलैंड मलेशिया या अफ्रीका में भी, वो सब टू हॉर्न हॉर्न हो गया, और वो सुमात्रन क्रिटिकल इंडेंजर राइनोस को, इंडेंजर होता है। क्या मान सिंह मैं कह रही हूँ एक सुमात्रन राइनो स्पीशीज होता है, एक सुमात्रन, यस ग्रेट वन हॉर्न हो गया, एक वाइट हॉर्न हो गया, एक ब्लैक राइनोसोरस भी होता है। तो राइनोसोरस से रिलेटेड अगर देखा जाए सबसे बड़ा इशू है उनका जो हॉर्न। हॉर्न कुछ कुछ चाइनीज मेडिसिन में काम आता है ऐसा बोला जाता है, तो उनका पोचिंग होता है और डेकोरेटिव मटेरियल्स के लिए यूज हो गया। और करुणा जो यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकली इंडेंजर IUCN के अंदर है, वो दूसरे राइनोस है, वो इंडियन राइनो का बात नहीं होगा ये वाला, काजीरंगा जो राइनो वन हॉर्न राइनो। यस, इट इम्प्रूव इज वल्नरेबल। वन हॉर्न वर्नेबल ना, राइनो इज वल्नरेबल, हाँ इंडिया में राइट। वर्नेबल है। फाइंडिंग द फंड्स, फाइंडिंग द फंड्स बात हो रहा है, क्लासे बात तो कर रहे हैं हम लोग कि लॉस एंड डैमेज फंड का, लेकिन कहाँ से फंड लाए इस पर चर्चा है। COP28 अभी दुबई में, COP26 ग्लासगो, COP27 इजिप्ट, और फंडिंग कहाँ से आएगा? तो अभी हाल फिलहाल में ऐसे हमने बात किया, टोटली $450 मिलियन अभी तक हुआ है। बिग कंट्रीज सच एज यूरोपियन यूनियन, जापान, उन्होंने ज़्यादा दिया, लेकिन US और जापान ने बहुत कम दिया, यूरोपियन यूनियन ने ज़्यादा दिया। तो दिखाता है कि हर एक कंट्री का इक्विटी एक तरह से नहीं है, जैसे उनका कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज जितना है उसके हिसाब से लॉस एंड डैमेज भी नहीं। तो एक एक चैलेंज है इसके लिए। और लॉस एंड डैमेज फंड कैसे एक्सेसिबल करें, आप जो फंड ही मिला है $450 बिलियन, उसके अलावा बिलियंस ऑफ ग्रांट्स मिल सकता है, तो इसको आप किस जगह पर चैनलाइज करेंगे और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ये दर्शाएगा कि वो फंड ट्रांसपेरेंट है
अकाउंटेबल कि नहीं है, एंड जो लॉस एंड डैमेज फंड है इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो इसमें इंटरनेशनल बॉडीज का भी रोल है विद रिगार्डिंग टू दैट। तो ये डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात है। तो लॉस एंड डैमेज फंड एक्सेप्ट कर दिया गया, अगर देखा जाए तो 27 में बात हुआ था, 28 में एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें फंडिंग कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये ओवरऑल सोल है आर्टिकल का। इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट, तो ये क्या बात कर रहा मानसी, इफ़ यू कैन कमेंट ऑन दिस वन, कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट किस किस फील्ड में और कैसे क्या करें। कैपेबिलिटी, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें इसको हम डिफरेंट डायमेंशंस में ब्रेक कर सकते हैं ओवरऑल, नॉट अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे बात ना करें तो कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है एंड ग्लोबली भी एज अ वर्ल्ड लीडर हम इमर्ज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं यू नो बीइंग डोमिनेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, या फिर हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स में हम कैसे एज अ नो ग्लोबल हब इमर्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, ज्यादा बात करेंगे एफिशिएंसी की। सो इवन जो हम बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है, सो उसको हम इंडिया में कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, हाउएवर वो इम्प्रूव हो रहा है बट दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी स्लोअर पेस, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो इसको। सो मैं लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात करूंगा, पहला हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर, आज भी पुलिस के जो इंडिया में है स्टाफ है उनका में इशू है, कम है और ओवर बर्डन ऑफ पुलिस है, तो उसका उसका कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। इंडियन स्टेट में फिर आ जाएंगे इकोनॉमिक पॉसिटी, आपने बताया पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का भी बात हो रहा है कि जो डिफरेंसेज है, तो इसमें बात करें डिबेटिंग द रोल ऑफ द स्टेट, क्या रोल ऑफ स्टेट ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो ये डिसाइड करता है कि आपका लिबर्टेरियन पॉलिसी है इसमें स्टेट का रोल कम होता है, या सोशलिस्ट पॉलिसी इसमें स्टेट का रोल ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कि सब्सिडी ज़्यादा, आपका अफर्मेटिव एक्शन ज़्यादा, हर चीज़ में थॉट पुलिसिंग मॉरल पुलिसिंग सब में इस रोल ऑफ द स्टेट ज़्यादा, इसका बात हो रहा है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब में सोशलिस्ट स्टेट में ज़्यादा होता है और लिबर्टेरियन स्टेट में कम होता है रोल का, इसमें इंडिविजुअलिटी के ऊपर थॉट प्रोसेस में फोकस ज़्यादा किया रहता है। तो ये हो गया, तो ओवरऑल इसी पर बात होगा कि NHAI भी देखा जा रहा है, तो वहाँ पर भी कॉस्ट ओवरन का इशू है, डिलेज है, प्रोजेक्ट है, कहीं पर भी देर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग सोचते हैं दिखते भी है, तो स्टेट का कैपेबिलिटी वहाँ बढ़ना चाहिए, तो कब बढ़ सकेगा, जब देर इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए और हेल्दी सिनर्जी होना चाहिए आपस में। तो एक फील्ड होता है जहाँ पर इंटरेक्शन का मकसद मिलता है, वो है कि कंसल्टिंग एरियाज में, कि BCG PwC जो भी बड़े ग्रुप्स है दे डायरेक्टली वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र UP एक्सेट्रा फॉर द स्पेसिफिक एरियाज, ऐसे वर्ल्ड बैंक काम करते हैं वॉश के इनिशिएटिव में, या हर एक जगह पे WHO काम करते हैं सरकार के साथ, NIV के साथ काम करते हैं। तो आई थिंक मोर इंटरेक्शन मोर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बाय बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल गैप। अब इंडिया में बात होता है कि जो IAS होते हैं ऑल इंडिया सर्विस होता है उनके अंदर में जनरलिस्टिक अप्रोच होता है, स्पेशलाइजेशन का चांसेस कम होता है, तो उसको कैसे फिल करें, तो ये बात हो रही है कि नॉन IAS जो है हाई लेवल पोजीशन में एक्सपर्टीज रिक्वायर है, टैलेंट रिक्वायर है, उसमें मिशन कर्मयोगी का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं और शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं। जैसे प्रवेश आप देखिए हो रहे हैं IR में कि हमारे कम से कम 600 to 700 IFS अफसर हैं अभी, और लेकिन वो इतना छोटा है कि कनाडा का सबसे ज़्यादा है, कनाडा यू और इवन ब्राज़ील का 2000 से ऊपर है, US का तो और भी ज़्यादा है। तो हमें हर जगह जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है इवन इन द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द लोअर ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पर भी उसको फुलफिल करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए और एक तरह से स्किलिंग चाहिए। तो जैसे यहाँ बताया कि स्टेट हाईएस्ट कंसल्टिंग फर्म 500 करोड़ हैव बीन पेड इन द 5 ईयर्स टू आउटसोर्स द क्रूशियल टास्क टू बिग फाइव, जिसको बोलते हैं डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG, मैकेंजी और PwC प्राइस वाटर कूपर्स, तो इसको भी दिया गया है। तो एक इंट्रैक्शन भी है और एक तरह टेक्नोलॉजिकल ग्रैप गैप भी कम होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। और हर एक जो फील्ड है जैसे IAS ऑफिसर हो गए, ऑडिटिंग एंड अकाउंट सर्विस के लिए कस्टम एक्साइज का अलग ऑफिसर हो गया, तो हर एक
फील्ड के अंदर में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, सीबीआई हो गए, या सीबीआई के पास अपना पुलिस फोर्स नहीं है, उनका डिपेंड करते हैं बेसिकली आईआरएस पर डिपेंड होते हैं, आईपीएस पर डिपेंड होते हैं, और बाकी वैसे रॉ भी वैसे ही है। तो एक ऑब्वियस बात है कि आईआरएस और आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विस के हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड कैडर सिस्टम होना चाहिए हर एक के अंदर, वो एक मिसिंग रहता है। तो आई थिंक आई हैव कम कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, मानसी यू कैन ऐड। हाँ, यहाँ पे ये कि इकोनॉमी मेंशन है, जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कर सकते हैं कि जीडीपी जितनी जिस रेट से ग्रो हो रही है और काउंटर टू दैट कितना उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात कर रहा है। फिर सिमिलरली पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, मतलब कितना एक्सपेंडिचर करने के बाद, या इसको ऑपोजिट भी ले सकते हो कि कितना मतलब जीडीपी ग्रो हो रही है आफ्टर फिक्स प्रपोर्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, फिस्कल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक सेंस में थोड़े टेक्निकल कीवर्ड्स हो जाएंगे। एंड ओके प्रवेश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेबेरियन स्टेट इन इंडिया? प्रवेश यहाँ पे पैरा में लिखा हुआ है। आप बताओ फिर मैं बताऊँ। वेबेरियन स्टेट मतलब क्या होता है? वेबेरियन स्टेट, ठीक है मैं बताता हूँ। वेबेरियन स्टेट होता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर स्टेट का रोल आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उस वो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कौन सा स्टेट, क्या क्या एरिया है? फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो डिफेंस, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ सकता। या फिर देखा जाए तो वेलफेयरिज्म हो गया, या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो ये सब बेसिक होना चाहिए, उसके बाद आई थिंक इट इज़ बेस्ड ऑन कि बाकी प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने का मौका मिलना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उनका सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो है स्टेट का उसको मेंटेन करने के काम आना चाहिए, और जो बेसिक नेसेसिटी पूरा होना चाहिए लोगों का, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर संभाले, वो आई थिंक स्टेट है। हाँ, तो बेसिकली कौशिक जो आपने कहा वो सही है। तो मैक्स वेबर बेसिकली एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फिलोसफर हैं, और इनकी स्ट्रेटेजी ये बताती है कि एक ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होगी उस ज्योग्राफी को चलाने की, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, उसका सिस्टम चलाने की, वो सरकार के पास होगी और उसकी वो मोनोपोली होगी। प्राइवेट सेक्टर अगर उसको दखल करेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर को मतलब क्रश कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये तो होता है पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग जो शिव जी ने कहा कि स्टेट जो है वो ऐसे कुछ एरिया छोड़ देती है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि यहाँ पर हमारा मन नहीं है, यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर कर आपने काम कर लो। तो बेसिकली वेबेरियन स्टेट वो होता है। नहीं तो फिर अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर डिफेंस के लिए भेज देंगे ना, तो वही हाल हो जाएगा जो यूएस का हाल है, ब्लैक वाटर और प्राइवेट मिलिट्री। इस आर्टिकल के अंदर तीन चीजें मुझे और बोलनी है। पहला कि लेटरल एंट्री की बात कर सकते हैं, जब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन द टॉप हायरार्की, जैसे कि अपने कर्म मिशन की, कर्म योगी मिशन की बात की, तो उसमें ट्रेनिंग की जाती है लेकिन लेटरल एंट्री भी होती है ऑफिसर्स की डायरेक्ट आईएएस की पोस्ट पे इन द सेक्रेटरी लेवल। दूसरा कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर या फिर जजेस, उनका जो क्वासी ट्रिब्यूनल बॉडीज होती हैं वहां पर अपॉइंटमेंट हो जिससे कि फास्ट ट्रैक हो केसेस की सुनवाई। तीसरा जो जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस है ऑफिसर्स की वो इंश्योर हो, ताकि जो ट्रांसफर और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो अफेक्ट करते हैं आपके प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स वो ना हो। और इसमें हम सेवन पे कमीशन का यूज कर सकते हैं जिसमें कि हायर सैलरीज और हाइक इन पर्क्स दिए जाते हैं, जिससे कि प्राइवेट वेजेस के मुकाबले जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी आती है, तो बेसिकली एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता उनके अंदर काम करने में। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि ओशिक ने बताया था कल कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो भी आज आके इंडिया के लिए काम कर रहे हैं एडिशनल विदाउट हैविंग एनी सैलरी। सो दैट थिंग, अगर ये सारे रिफॉर्म्स हम करते हैं तो इससे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल सेंट्रिक होकर बिना बिना तनख्वाह के भी वो बेसिकली इंडिया के लिए काम करने को तैयार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका मोरेल इसे बूस्ट होगा। तो ये तीन चीजें मुझे बोलनी। प्रोसेस ऑफ म्यांमार्स एक्चुअल यूनिफिकेशन हैज़
पिकन, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द म्यांमार, उसके अंदर का बात हो रहा है, तो वी कैन, तो उसमें बस केस यही है कि जो उसका नाम क्या था, मानसी यू कैन जस्ट सर्च, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, जो लीडर थी वहाँ की म्यांमार की, तो उनको हाउस हॉन्ग अरेस्ट कॉन्ग कर सू, दिया। हाँ तो उनको उनको कर दिया गया होम अरेस्ट, और उसके बाद जो जुंता है टेक ओवर कर दिया गया बाय द मिलिट्री। तो आई थिंक ये इशू है ओवर लॉन्ग टर्म। तो आई हैव टू रीड इन डिटेल, प्रवेश यू हैव एनी आइडिया, यू कैन जस्ट स्पीक। हाँ इसमें यही है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट म्यांमार के अंदर थी, बेसिकली उसका तख्ता पलट करके जो जनता मिलिट्री लीडर है उसकी सरकार वहां पर अभी है, और दूसरा कि एंटी डेमोक्रेटिक वेव्स वहां पर चल रही, सॉरी प्रो डेमोक्रेटिक वेव्स वहां पे चल रही है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लार्ज स्केल पे वहां पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो आपने बात की सैन ज्यूइन की, जो कि ये लेडी बेसिकली इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जो वहाँ की प्रेसिडेंट थी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थी, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये इंडिया से ही मतलब पढ़ी हुई है, और बेसिकली ये प्रो डेमोक्रेसी एक लीडर थी, लेकिन इनको जो तख्ता पलटन का हुआ है वो भी करप्शन के चार्जेस पे वहां पर हुआ है। तो इसी वजह से अभी म्यांमार इज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ क्याउस, तो ये ही तो सारी चीजें प्रदेश, मतलब। यहाँ पे आप कुछ यूएन कन्वेंशन मेंशन कर सकते हो जो इस सिचुएशन में फिट होंगे? ह्यूमन कन्वेंशन मतलब आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, आप यूएनएचसीआर की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं हो जाते, क्योंकि मिलिट्री, अगर आपका मतलब पूरा स्टेट ही आपका मिलिट्री हुड पे चल रहा है, तो आई थिंक इवन यूएन इज नॉट एबल टू हैव अ से इन दैट। अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, आप म्यांमार की बात करें, आप जो इंटरनेशनल वॉर चल रही है, आर्मेनिया अजरबैजान की हो गई, रशिया यूक्रेन की हो गई, तो यूएन इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन, वी कैन से इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सॉरी फेल्ड नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते फेल्ड, यूएन हैज़ टू वर्क मोर, ऐसे बोल सकते कि इट हैज़ टू इम्प्रूव, इट नीड्स मल्टीलैटरल रिफॉर्म, इससे बात कर सकते। फेल्ड डायरेक्टली मतलब थोड़ा सा ड्रास्टिक हो जाता है। यूएन रेलेवेंस की हम हाँ बात कर सकते। यस। NIA books aid for supplying explosive to CPI moist. तो CPI moist, अब प्रवेश आप बता दो, CPI इंडिया में कितने टाइप से होते हैं और moist क्यों है ये? सो इंडिया में सीपीआई बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कहा जाता है। दे हैव टू टू आइडियोलॉजिकल बैकिंग्स, वन इज माओइस्ट एंड वन इज मार्क्सिस्ट। तो बेसिकली सीपीआई माओइस्ट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लीडर ऑफ चाइना, हुज नेम वाज माओ। तो ये बेसिकली पीजेंट रिवोल्यूशन और मतलब ब्लड शेड रिवोल्यूशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो पीजेंट्स हैं बेसिकली उनको हमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, और की जो जो डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी के अंदर उसकी वजह से इनका अंडर डेवलपमेंट हुआ है। तो बेसिकली ये ब्लड शेड रिवोल्यूशन की बात करते हैं। दूसरा जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विद द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, पीजेंट इतना फोकस नहीं है उसमें, लेबर ज्यादा फोकस है, मतलब बुर्जुआजी क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है उसने जो लेबर क्लास है उसके साथ अच्छा नहीं किया है, हमेशा उसको दबाया है। तो बेसिकली सीपीआई मार्क्सिस्ट जो पार्टी है वो अपने जो एजेंडाज हैं वो वाया पार्लियामेंट्री मेथड अडॉप्ट कर रही है, लेकिन सीपीएम जो माओइस्ट पार्टी है ये बेसिकली इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिबेलियन, इससे बेसिकली फ्यूल करती है। तो जो हम इंसिडेंट्स देखते हैं, नक्सलाइट्स, इंसर्जेंसी इन द ईस्टर्न पेनिनसुला, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, तो बेसिकली दे आर लेड बाय सीपीआई माओइस्ट, नॉट बाय मार्क्सिस्ट, एंड दी एंटी यू नो इंसर्जेंसी ऑपरेशन आर बेसिकली फॉर सीपीआई माओ, इट्स नॉट फॉर मार्क्सिस्ट। सो दिस इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन इंडिया। यस, एंड आई विल ऐड समथिंग कि जो कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है सीपीआई मॉइस में भी, और जो इंटेलिजेंसी ऑफ द अदर कंट्रीज जैसे चाइना, पाकिस्तान एक्सेट्रा, तो उस वो एक सोल अलोन ऑपरेशन नहीं जो नक्सलिज्म है इंडिया में। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल एड दैट चाइना इज द वन कंट्री विच हैज नॉट इवन सपोर्टेड इन इवन अ बिट टू द सीपीआई माओइस्ट पार्टी, दो दे आर यूजिंग द नेम ऑफ माओ। देन द म्यांमार इज अ कंट्री विच हैज फ्यूल्ड द सीपीआई माओइस्ट,
if you talk in the international relation terms, in the terms of arms and ammunition and the intelligence also. तो इसमें वी हैव डिस्कस कि इंडिया ऑफर्ड टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट. तो इसमें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट स्कीम इज रेफरेंस्ड ऑन द फ्राइडे एक्सपेक्ट टू जनरेट क्रेडिट फॉर द प्लांटेशन ऑन वेस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट एरियाज टू रेजुवेनेट एंड रिवाइव नेचुरल इकोसिस्टम. तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट स्कीम इसको लिख लेना चाहिए, इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया का GDP टारगेट कैसा रहा है, ओवरऑल क्लाइमेट टारगेट कैसा रहा है कि जो एमिशन है इट इज टू बी रिड्यूस बाय 40% एंड देर इज शुड बी इंक्रीज अ नॉन फॉसिल फ्यूल टू 50% 2030 एंड अचीविंग जीरो बाय 2070. तो जीरो 2070 इंडिया करेगा, 2060 के अराउंड चाइना और बाकी सब कंट्रीज 2050 के पहले. तो ये बात हुआ था क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात है. एंड वेलकमिंग द $30 बिलियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड अनाउंस्ड बाई COP होस्ट UAE ऑन फ्राइडे. तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड द न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल NCQG इट इज रेफरिंग टू द नेगोशिएशन ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट दैट डेवलप कंट्रीज मस्ट टेक टू डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल. तो पहले $100 बिलियन का बात किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड का, लेकिन कुछ ही बिलियन डॉलर सिर्फ रेज हो पाया. और ये $100 बिलियन जो कमिटमेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा 25 में, तो एक नया कमिटमेंट होना चाहिए. तो ये नया कमिटमेंट का बात हो रहा है ऊपर में. तो यहाँ पे ग्रीन दिस न्यू क्लाइमेट थिंग. फंड 2010 में बनाया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन साउथ कोरिया इंचियोन जो कैपिटल है. यस. एंड रिगार्डिंग द कतार, ये केस हुआ था कि जो नेवी थे, एट एक्स नेवी पर्सनल थे, दे आर बीन अक्यूज ऑफ स्पाइंग फॉर द इसराइली बाय द कतर गवर्नमेंट. और कतरी कोर्ट ने बताया था कि उनको उनको जजमेंट दिया विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल पनिशमेंट, और अभी जा करके कैपिटल पनिशमेंट हटा है. तभी द इंडियन जो स्टैब्लिशमेंट है, जैसे जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड डिफेंस, दे आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन. Okay, so what is the convention? What is the name of convention, Oshik, which is used by the Indian government to save their personnel in such cases? बताओ आप, मैं तो हेज का बात करता हूँ. It is the Vienna Convention, I वीना think, कन्वेंशन, Ravi. it is वीना तो Geneva Convention. जेनेवा Consular कन्वेंशन. access. Geneva. Vienna is Geneva. something different. Okay, ठीक It है. is Geneva. जम्मू कश्मीर पुलिस क्रैक डाउन ऑन नेटिजन फॉर शेयरिंग इंसिडेंटली प्रोपोज्ड सिक्स फेस एक्शन. तो इनकरेजिंग डिसअफेक्शन, सेसनिस्ट आइडियोलॉजी, फॉल्स नैरेटिव, हेट्रेज ऑन रिलीजियस ग्राउंड. तो ये एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, द एग्जैक्ट वर्ड है इसको देख सकते, क्योंकि एंटी नेशनल कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं. किसके लिए एंटी नेशनल, स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए. तो स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ कि आपका रिलीज ग्राउंड पर हेट्रेड फैला रहे हो, लेकिन इसका भी एग्जैक्ट टर्म होना चाहिए, हेट्रेड कैसे. तो वो बात है. UAE अनाउंस $30 बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, वी टॉक्ट अबाउट दिस वन. ये कार्टून क्या दिखा रहा है प्रवेश, एग्जिट पोल है इसका एनालाइज, दो दो लाइन. ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल इतना ऐसा ऐसा दिखाया गया है सबके लिए, नेता लोग के लिए, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों खुश होकर उड़ने लगे आसमान. और जब फटेगा तब फिर हो सकता है रिजल्ट और डिफरेंटली अकॉर्डिंगली, मेरा भी लगता है. फटे हुए में औचक दिख भी रहा है कि एक नेताजी नीचे गिर भी गए. हाँ ऐसे. तो किसी और पार्टी की बात करो, BRS है बाकी सब तेलंगाना का पोस्ट में, ये कांग्रेस दिखा, ये तो सैफरन है, तो यूडीए इंटरपोल दिखा का हमने अभी आर्टिकल छोड़ा है तो
कौशिक, आप मुझे बताओ कि बेसिकली इंटरपोल है क्या? इंटरपोल यहाँ पता नहीं, इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस एक अथॉरिटी है जिसमें आप को इस 5-6 तरह का नोटिस होते हैं, येलो नोटिस, रेड नोटिस, एक्सेट्रा होते हैं, और दे कोऑर्डिनेट विद द स्पेसिफिक एजेंसीज ऑफ ईच कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू कैचिंग ऑफ क्रिमिनल्स और किसी को फाइंड आउट करना, तो उसके हिसाब से नोटिस मिलता है। तो तो क्या इंडिया में ये जो हेड ऑफ इसका सीबीआई, बोलो, तो क्या ये एजेंसी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की है या बाद में बनी है? तो एग्जैक्ट नहीं पता, बोलो आप। 1923 में ट्वेंटी बेसिकली थ्री ये एजेंसी बनी। ये इंटरपोल सिंपली इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि एनुअल जैसे यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली होती है, इसकी भी जनरल असेंबली होती है, जिसकी जो मेंबर्स हैं हमारे यहाँ से सीबीआई है। तो सीबीआई इज दी नोडल फॉर द इंटरपोल फ्रॉम इंडिया, और बेसिकली ये अलग अलग तरीके के नोटिस जारी करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका नोटिस होता है वो होता है रेड नोटिस, जिसके अंदर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको बुक करने की बात की जाती है और सेफ हेवन से उनको ना दिया जाए, बेसिकली उसकी बात होती है। तो इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन जो होता है ऑफ क्रिमिनल्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि पन्नू का अगर इंडिया चाहे तो उसको कैच कर ले फ्रॉम द लैंड ऑफ द कैनेडा, बट इंटरपोल में बेसिकली जो इंटरपोल की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स इतनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करती हैं, जिसके कारण से इंटरपोल की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम होती है। अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंसर्न। ओके okay. इट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ट्रू। और इंडिया में जो एजेंसी है वो सीबीआई है, उनके अनुसार कोऑर्डिनेट करते हैं इंटरपोल। वर्ल्ड बैंक रिकॉल्स पेपर ऑन डिक्लाइन इन टॉयलेट यूसेज। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दो मिशन है, अलग अलग दोनों का ऑब्जेक्टिव है देखा जाए तो। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में एक ODF होते हैं, ODF++ होता है, वाटर प्लस है इनिशिएटिव। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है करुणा? ODF, ODF+, ODF++ एंड वाटर प्लस इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में। प्रवेश हाँ जी, हाँ, वही तीनों में डिफरेंस क्या है तो चारों में? ODF, ODF++, ODF+ एंड ODF बेसिकली के अंदर ये होता है कि आप ओपन डिफिकेशन नहीं करेंगे, एंड उसके बाद जो ओपन डिफिकेशन फ्री में है बेसिकली ODF प्लस में, उसमें आप जो है अर्बन टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। ODF मतलब सिंपल हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, आप कहीं जाके खुले में नहीं करोगे। सेकंड होगा ODF+, मतलब वो है कि आपका जो पब्लिक टॉयलेट है उस पर बात होगा, पब्लिक टॉयलेट बनना चाहिए। पहले इंडिविजुअल टॉयलेट का बात हो रहा है, 12,000 रुपये देता है सब्सिडी, इसमें हर एक घर के अंदर बनना चाहिए टॉयलेट। सेकेंड है पब्लिक टॉयलेट है, थर्ड में सीवेज मैनेजमेंट जो है वो सही होना चाहिए। तो थर्ड वाला ODF++ में सीवेज भी सही होना चाहिए, टॉयलेट भी सही होना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट भी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सैनिटेशन फोकस है। अब वाटर प्लस है कि आपको वाटर, आपको ग्रे वाटर को रीयूज करना है, ब्लैक वाटर का ड्रेनेज सही होना चाहिए। ग्रे वाटर ब्लैक वाटर तो पता ही है, टॉयलेट वाला वाटर होता है ब्लैक होता है, ग्रे होता है जो आप किचन से जो वाटर निकलता है गंदगी वो, क्या या फिर आप धोते हो गाड़ी को तो गार्डनिंग करते हो तो वो सब ग्रे वाटर होता है। तो ग्रे वाटर का रिसाइकिलिंग और रीयूज का बात होता है, तो ये डिफरेंसेस। डिस इंफॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो डिस इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मानसी, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन? ओके, सो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया कि आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट इज फज, मतलब उसमें आप डेटा को फज कर सकते हो उस तरीके से। एंड डिस इन्फॉर्मेशन
आई थिंक इसके पीछे जो इंटेंट है ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन वो कंसिडर किया जाएगा, मतलब कि आई मतलब मेरे हिसाब से मतलब कि ये मिस इसके इन्फॉर्म, पीछे मतलब मैं मिस इन्फॉर्म हूँ, मतलब ना मैं मिस इन्फॉर्म हूँ, तो मैं गलती से भेज दिया, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, तो वो ये एक मिस जानबूझ इन्फॉर्मेशन है। डिस इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है कि ये गलत है लेकिन मैंने तुमको झूठ बोला, तो ये डिस इन्फॉर्मेशन हो गया एक सिंपल लेमेस नॉलेज में। तो इसलिए डिस इन्फॉर्म बात यहाँ पर किया हुआ है कि अगर आपको नहीं पता है तो चलेगा, फॉल्स इनकार एक्यूरेट है, आपको आप चेक नहीं किए उसको, सेमी ट्रूथ है, सेमी ट्रूथ भी तो होता है ना, तो चलेगा चलेगा, मतलब वो भी एक तरह से फैक्ट चेक करके कम हो सकता है। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि आप डिलिबरेटली आप काम करो, इंटेंट ही गलत है आपका, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिस इन्फॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स इन इंडिया, और फ्रीडम एक्सप्रेशन के अंदर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक तरह से ये इस पर। दूसरा कि आपका का जो सिविल राइट एक्टिविस्ट नो लॉन्गर प्लेस द कोऑपरेशन विदिन द ट्रेडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंटिटी, क्योंकि पहले जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐसा था कि कुछ भी आप कर सकते हो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्न और बाकी जो कंप्यूटर से आप एल्गोरिदम चेंज कर सकते हो, आप स्पीच किसी का भी ऑल्टर कर सकते हो, जो तो कहीं ना कहीं वो हंसी आता है मीम देख करके, लेकिन अगर वो सही में अगर वैसा स्पीच ऑल्टर करके आप बता सकते हो तो दंगा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसी कारण डिस इन्फॉर्मेशन हो, वही बात। तो फैक्ट चेक यूनिट हमेशा मैं लिखता हूँ, तो PIB फैक्ट चेक यूनिट है, तो वो उसने फ्लैग किया यूट्यूब चैनल दैट वाज स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ डिफरेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ है, तो करके इसमें पता नहीं है मुझे कि भाई ये सही में उनको पता है कि नहीं पता है, हो सकता है कि गलत से बता रहे होगा। तो SC2 हियर पंजाब प्ली ऑन एक्सटेंशन BSF जुरिडिक्शन, तो BSF जुरिडिक्शन इशू सिर्फ पंजाब में नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन असम वेस्ट बंगाल, BSF नहीं, BSF तो पंजाब की तरफ ही है, लेकिन जो SSB का जुरिडिक्शन है वो वेस्ट बंगाल असम, तो हर जगह जुरिडिक्शन पर इशू क्यों होता है ऐसा प्रवेश, क्या चीज? मतलब जैसे BSF जुरिडिक्शन होता है ना पंजाब में वहां पर इशू होता है, वैसे ही SSB सीमा सुरक्षा बल वेस्ट बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, तो वहां पर भी इशू होता है, ITBP जो तो इंडो नेपालियन बेसिकली बॉर्डर है पर है, ऐसे यूपी हो गया बिहार, वहां भी इशू होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसीज है BSF होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, ITBP या फिर ये SSB, तो इसमें इशू क्यों होता है सेट स्टेट का, तो क्या इशू है बेसिकली, ये सिर्फ पंजाब से रिलेशन नहीं है। स्टेट का बेसिकली दो इशू होते हैं। स्टेट का पहला इशू ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे जो जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर मनमानी करती है, तो ये बेसिकली उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। दूसरा ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जो लैंड होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर एरिया में होती है, वो बेसिकली सेंट्रल